हेलो गाइस, कैसे सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोग का हिडन स्टोन गेमिंग में। और आज मैं आप सभी लोग के साथ खेलने जा रहा हूँ यार हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक। यस गाइस, तो हम फिर से री एंटर कर गए स्काई ब्लॉक के अंदर हाई पिक्सल वाले। कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि यार भाई कुछ अच्छा किया जाए अपने हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक के अंदर। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत नई नई चीजें करने की। कुछ चेंजेस भी किए मैंने, ये देख सकते हो आप, मेरे आइलैंड को स्नो बायोम बना लिया है मैंने डायरेक्टली, ऐसे समझा करो। और मैंने कुछ मिनियंस को भी यहाँ से निकाल दिया है, देख सकते हो यहाँ पर स्नो मिनियंस वगैरह सब कुछ आपको दिख नहीं रहे होंगे। यहाँ पर क्ले मिनियंस भी बहुत सारे नहीं। और ये तो फूल भर के, और ये फूल कैसे भर गया पर? हेलो भाई, तू तेरे पास पानी ही नहीं तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ऐसे कैसे फिशिंग कर सकता है तू? क्या बोला तूने? इन लोगों ने फिशिंग कर रखी ऑलरेडी, पर ये फुल हो गए। ठीक है, इनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ये देख सकते हो ये लेवल 7 का है, वो लेवल 5 का था शायद से। और इन लोगों ने अच्छी खासी माइनिंग कर ली यार। वाह भाई, ग्राइंडिंग तो तूने बहुत अच्छी की है। ठीक है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। इसको धीरे धीरे करेंगे, सारी चीजें हम धीरे धीरे करेंगे गाइस। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ पहली बात, और ये करना है मुझे, बस ये करना है, क्योंकि इसका स्पेशल रीजन है भाई। सच में यार, लिटरली मेरे जो लाइक्स है ना और मेरे जो सब्सक्राइबर्स है ना, जैसे ही कम हो रहे हैं ना भाई, सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी सारी चीजें को इकट्ठा कर रहा हूँ, और लिटरली मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आज से हाईपिक्सल की सीरीज में शुरू करने वाला हूँ। और गाइस, प्लीज 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 एक लाइक जरूर कर देना हमारे हाईपिक्सल स्काई ब्लॉक चालू करने के लिए। और हाँ, लास्ट तक वीडियो को देखना गाइस। लास्ट में आप सभी लोग के लिए एक खुशखबरी है, बहुत आपको सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी खुशखबरी भाई आप सभी लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, मेरे मुंह से तो नहीं पर दूसरों के मुंह से सुनी होगी। पर हाँ, ये खुशखबरी मैं बहुत पहले देना चाहता था, पर मैं अभी देने वाला हूँ। और प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो। देख रहे हो, देख रही हो कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार। और ठीक है, हमारा 2000 सब्सक्राइबर का काउंट कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स के लिए बाकी यार, कर दो फटाफट। मिनियंस के लिए एक घर बनाने वाले हैं गाइस, बहुत बड़ा वाला घर बनाने वाले हैं। तो इसकी स्टार्टिंग में करने वाला हूँ। मुझे पता है कि आज अभी तो फिलहाल रात के 12:30 बज चुकी है, और मैं इस टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता नहीं भाई मैं कितना टाइम निकाल रहा हूँ अपने रिकॉर्डिंग के लिए। तो फटाफट से चलते हैं यार, और अपने काम के लिए सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर रहा हूँ। तो पहले यार मुझे बहुत सारे लॉक्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर भी क्ले मिनियन पड़ा है, मैंने यहाँ पर सारे मिनियन शिफ्ट कर दिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप। लिटरली मेरे पास 3, 2, 5 और ये 2 मिनियन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लगभग 3, 2, 5। कितना चूतिया काटेगा मेरा, कितना? 6 और 7, 7 मिनियन है मेरे पास अभी फिलहाल प्लेस किए हुए। मैं हूँ चूतिया। और ठीक है, मेरे पास कॉबलस्टोन बहुत सारा पड़ा है, देख सकते हो आप। तो मैं सारा कॉबलस्टोन लेने वाला हूँ, यहाँ से निकलने वाला हूँ। मेरी जंगल एग्स मुझे बिल्कुल भी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ पर गई है। तो एक यहाँ पर एक एग्स बनती है, जो कि ट्री नाम की एग होती है, एग्स होती है। उसको मैं ऑक्शन हाउस पे देखने वाला हूँ। ओके, तो बहुत दिनों के बाद हब के अंदर आ रहा हूँ मैं, और लिटरली यहाँ पर गर्दी, मतलब भीड़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ, यहाँ पर ट्री नाम की कोई एक्स होती है। ओके, यहाँ पर है, नहीं ट्री कैपिटर, कैपिटर नहीं है, लो वेस करके देखता हूँ। ट्री कैपिटर नाम की है, तो इसकी प्राइस लगभग 1 मिलियन तक जा रही है, और ये मैंने ऑलरेडी बीट पे सेट कर रखा है, तो डायरेक्टली मुझे बीट मिलेगा। और ये बहुत बढ़िया, 1 हिट के लिए 2 सेकेंड का कूल टाइम लगता है इसके लिए। तो एक काम करते हैं, ये एक्स को फटाफट से खरीदते हैं हम। हमारे पास शायद से इतने सारे पैसे होंगे कि भाई हमें ये एक्स खरीद पाएंगे। एक बार देख लेते पैसे कितने हैं हमारे पास। ओके, 2 मिलियन पड़े हमारे पास। ठीक है, हो जाएगा भाई, ठीक है, 2 हो जाएगा। 2 मिलियन तो अपने पास है ही है, तो काम तो हो जाना चाहिए लगभग भाई। ठीक है, तो फटाफट से इससे खरीद लेते हैं ये एक्स। ठीक है, ये लोवेस्ट बिन के ऊपर, और यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी टल्किनेस और सारे एंचेंटमेंट दे रखे हैं इन लोगों ने। फिर भी मैं थोड़ा सा पीछे की और आगे की तरफ जाने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला ट्राई करके देखते हैं। ओके, मिल गया मुझे। तो फाइनली हमारे पास और एक एंचेंटमेंट, मतलब एक और एक हथियार आ चुका है, जो कि भाई हमने पहली बार लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम थोड़ी सी एंचेंटमेंट डाल देते हैं। अब इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ पहले एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 5, 30 XP चाहिए, तो मेरे पास XP की बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। और स्मेल टकने चाहिए, टल्किनेस चाहिए हमें,
कि हमारा सामान डायरेक्टली हमारे इन्वेंटरी के अंदर आ जाए। फायर बुक शेल्स, ओके, इतनी सारी चीज़ें होगी तो भी चल जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ सीधे सीधे थोड़े से वुड कलेक्ट करने। फिर देख सकते हो आप, तोड़ूंगा तो भाई क्या ही मजे यार, इसको बोलते हैं। ये देख सकते हो यार, लिटरली मैं एक स्टैक बहुत कम सेकंड में इसको क्रॉस कर दूंगा। ये देख सकते हो लिटरली बहुत बढ़िया एक्स है, जंगल वुड से भी बहुत बढ़िया लगी मुझे ये एक्स। और इसका एनिमेशन वाह, साउंड भी बहुत बढ़िया आता है इससे। ये देख सकते हो पूरा का पूरा ट्री एक सेकेंड में काट देता है ये। पर इसके उसको एक साइड इफेक्ट है, मतलब इसको कूल डाउन होने के लिए 2 सेकंड लगते हैं। और 2 सेकंड तो कोई बड़ी बात नहीं यार, 2 सेकंड तो आप रुक ही सकते हैं। ये देख सकते हो यहाँ तक भागने के लिए भाई 2 सेकंड लग जाते हैं, तो इतना तो लगेगा ही भाई। कितने सारा वुड कलेक्ट कर लिया देख सकते हो आप, तो इतना सारा वुड तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। चलो भाई, भाई ये स्टोन क्या भाई, पर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है कॉबर स्टोन के अंदर। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ, आप भी देख सकते हो यार डायरेक्टली भाई क्या ही हो रहा है यार इसके अंदर। और ठीक है, ये सेंटर वाला पार्ट मुझे तोड़ना पड़ेगा, एक बार इसके अंदर ट्राई करके देखता हूँ, शायद अलग बेड जाएगा तो काम चल जाएगा हमारा। ऐसे करूँगा, फिर देख सकते हो यहाँ पर बढ़िया सी जगह सी आ रही है। ठीक है, तो फाइनली मैंने सारे के सारे पिलर्स लगा दिए, आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही भर चुका है भाई, पूरी जेल के जैसा दिख रहा है। सारे मिनियंस भाई बहुत कॉर्नर पे रहने वाले शायद, तो लिटरली बहुत अजीब दिख रहा हूँ ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा हूँ। पर हाँ भाई, हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन रेडी हो चुका है और हमारा मिनियन हाउस गाइस लिटरली बहुत बढ़िया बन चुका है। और मैं भाई अभी ये माइनर आउटफिट पहना था क्योंकि भाई मुझे हैश चाहिए था, तो हैस 2 मुझे इससे मिल जाता है भाई टेम्प्ररी। लोग तो भाई लेवल पाए के ले लेते हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे में भाई, वो पीछे वाला मेरा घर नहीं, आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। अगर मैं यहाँ से भाई तो ये फ्लाइट मोड भी मुझे पकड़ना पड़ता है हर बार, तभी इससे काम चलता है, नहीं तो भाई कुछ दिखता नहीं यहाँ से। ठीक है, तो आपको देखने के लिए रेडियो रेडियो तो भाई फटाफट से एक लाइक ठोक दो, क्योंकि भाई इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और ये भाई डिटेल में बना है पूरा, एक एक ब्लॉक पूरे डिटेल में बने इस कंस्ट्रक्शन के लिए। फटाफट से एक लाइक मार दो, और यार इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, बनता है भाई सब्सक्राइबर। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको, 1, 2 और ये 3, वो देख सकते हो भाई कितना बड़ा है भाई ये, और ये 2 मंजिला होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर भाई आपको, आप यहाँ पर आओगे ना मेरे आइसलैंड के अंदर, तो आपको यहाँ पर रास्ता नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सर्वर रिबूट होने वाला है, अभी रिबूट होना था। ठीक है, 30 सेकेंड बाकी अभी भी। इसके लिए भाई आपको कहाँ पर भी एंट्रेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई इसको मैं डायरेक्ट टेलीपोर्टर लगाने वाला हूँ, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर बिल्कुल भी अंदर आने की, वैसे अंदर तो जा नहीं सकते, तो यहाँ से ऊपर से जा सकते हो आप। ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने कितने सारे मिनट्स लगाए, दिख रहा हो 5, 5, 10 और ये 20, यहाँ पर ही 20 मिनियंस है गाइस, और ऊपर शिफ्ट और होंगे तो ये देख सकते हो यहाँ पर भाई दूर से इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन लगता है ना यार, इसको बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत। और यहाँ पर फिर से एक फ्लोर लगने वाला है यहाँ से सीधे, और यहाँ पर देख सकते हो कॉबलस्टोन मैंने लगाया, और यहाँ पर और भी थोड़े से डेकोरेटिव चीज़ लगने वाली है, जैसे कि ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें, ओके यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हो मॉसी स्टोन्स और यहाँ पर क्रैक स्टोन भी मैंने ले रखे हैं, तो इनको भी थोड़े से चेंजेस करने, क्योंकि भाई प्लेन अच्छे नहीं लगते है ना, आपको भी देख सकते हो यहाँ पर प्लेन, हर बार सारे के सारे प्लेन अच्छे नहीं लगते, तो भाई थोड़े से डेकोरेटिव करने वाला हूँ, डोंट वरी। तो ये देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा डेकोरेटिव आपको एक साइड, मतलब पूरे जितने से जैसे के आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये 4 पिलर्स, मतलब ये जो कॉर्नर के पीस थे ना भाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये कैसे बनाऊँ, तो फाइनली ये भी मैंने बना लिया अपनी सोच से। और ये भी देख रहे हो यहाँ पर भी कॉर्नर मैंने बना लिया है, तो ये भाई ये तो मेरा आइडिया था। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए गाइस आप सभी लोगों को लाइक ठोकना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इसको बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, लगभग मुझे 4 या 5 घंटे लगे इसको बनाने में। इसलिए मुझे भाई ये फ्लाइट पोशन, मतलब सूप लेना पड़ा यार, ये एन्चेंटेड सूप जो कि 200 मिनट्स तक रहता है शायद से। ठीक है, तो गाइस अब इसके अंदर बहुत सारे मिनियंस लगने वाले हैं, आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ मिनियंस कैसे ला सकते हैं, मिनियंस स्लॉट कैसे अपग्रेड कर सकते हैं आप, तो ये अगले एपिसोड में। ठीक है, अगर इस वीडियो के ऊपर 50 से ज़्यादा लाइक्स हो जाते हैं
ठीक है, 50 से ज़्यादा लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आपको ये अगली वाली वीडियो के अंदर फिर अपने मिनियन स्लॉट कैसे बढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें बताऊँगा और आपको प्रूफ भी दे दूंगा। सो डोंट वरी गाइस, फटाफट से लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। हमारे सब्सक्राइबर रुक चुके हैं यार, क्या करें हम, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आप सभी लोगों से वादा किया था, लास्ट में एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा और वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो मैंने बोला था यार 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको फिर से रिपोर्ट, भाई क्या कितनी बार रिपोर्ट करने वाले हो, क्या फटाफट से दे देते। तो मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था भाई 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद कुछ एक ऐसी चीज़ होने वाली जो कि आप खुश हो जाओगे। तो भाई मैं फेस रिवील करने जा रहा हूँ, 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद फेस रिवील होगा। तो कंटिन्यू फेस रिवील होने के लिए भाई आप सभी लोगों को फटाफट से लाइक करना पड़ेगा और पोल लगने वाली है पोस्ट पे, तो फटाफट से आपने जो वोट है ना फटाफट से वोट डाल देना, इस गेम पे ऊपर हमने वोट लगाना है। ठीक है, तो चलते, और ये भाई मुझे धक्के मारते ही रहेगा पता नहीं। ठीक है, तो करते यहाँ पर वीडियो खत्म, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, और लास्ट तक देखने के लिए सो मच, और आप सभी लोगों के लिए अगले सरप्राइज रेडी रहेंगे गाइस। तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले सुनो, बाय बाय, टेक केयर।